जानिए सेक्स के समय पुरुषों को दर्द क्यों होता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल हेल्थ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं हेल्थ की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सेक्स के दौरान दर्द सिर्फ महिलाओं को ही नहीं होती बल्कि पुरुषों को भी होती है। एक शोध में उन कारणों की सूची तैयार की गई है जिनके कारण पुरुषों को सेक्स के दौरान दर्द होता है। सेक्स लाइफ का एक बेहतर और आनंदी पल माना जाता है जो मन को तन को संतोष प्रदान करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेक्स के दौरान दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो सेक्स का सारा मजा किरकिरा कर देता है। फिर ऐसी स्थिति बन जाती है कि सेक्स के दौरान ऑर्गेजम तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। पेरोनी डिजिट इरेक्टाइल डिस्फेक्शन नाम की एक बीमारी जिन पुरुषों में होती है उनको सेक्स के दौरान काफी तकलीफ होती है। इस बीमारी के कारण पेनिस जल्दी उत्तेजना से बाहर आ जाता है, इसे इंटरकोर्स दर्दनाक और मुश्किल भरा होता है। यह समस्या पेनिस में ट्रामा होने या फिर जेनेटिक और हेरिटेज समस्या के कारण होती है। त्वचा में खिंचाव, इस समस्या का एक और नाम फिमोसिस है जिसमें लिंग की त्वचा बहुत सख्त हो जाती है, यहाँ तक कि लिंग के ऊपरी हिस्से की त्वचा भी बहुत सख्त हो जाती है। इसके कारण सेक्स के दौरान पुरुषों को दर्द होती है। यूरिन इन्फेक्शन, पुरुषों में भी महिलाओं की तरह यूरिन समस्या पाया जाता है। इस समस्या में पुरुषों को पेशाब में जलन होती है। इतना ही नहीं बस इस बीमारी में पेशाब में गंध भी आती है और इस समस्या में लिंग में खुजली भी होती है। एलर्जी होना, कई पुरुषों के लिंग की त्वचा इतनी संवेदनशील हो जाती है कि उनके क्रीम और साबुन का उपयोग करने पर भी एलर्जी हो जाती है। एलर्जी के कारण भी पुरुषों को सेक्स करने में समस्या होती है। जेनाइटल हर्पस, यह एक तरह का यौन में होने वाला संक्रमण है जिसके होने से इंटरकोर्स करने के दिक्कतें आती हैं। इस समस्या के दौरान लिंग के आसपास गांठे या दाने होने लगते हैं।